नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और हम आज जो बात करेंगे वो बेसिकली कल केंद्र सरकार की तरफ से एक घोषणा हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। इसके कारण हुआ क्या कि पेट्रोल की कीमतों में 9.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी हो गई। और इसके बाद फिर उन्होंने ये भी घोषणा की कि गैस सिलेंडरों पे भी 200 रुपये प्रति सिलेंडर उसकी कमी होगी। तो ये क्या कारण रहे जिनके कारण केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया और मार्केट का हाल क्या है, कीमतों का हाल क्या है, हम इन सबको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं और यहां पे मैं आपके सामने एक आर्टिकल के थ्रू कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है भारत में। ये है यहाँ पर, जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल निकाल के रखा है जो कि कल का है, 21 मई 2022 का, जिसपे वित्त मंत्रालय की तरफ से जो घोषणा हुई थी वो यही था कि पेट्रोल प्राइसेस में 9.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल के कीमतों में 7 रुपये पर लीटर जो है वो कमी की जाएगी। निर्मला सीतारमण जी के ट्विटर हैंडल के द्वारा ये घोषणा हुई थी और साथ में ये भी था कि गवर्नमेंट ने 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी जो है, जो उज्ज्वला योजना 12 सिलेंडर प्रति परिवार हर साल जो सब्सिडाइज्ड सिलेंडर होते हैं उन पे ये घोषणा की गई है कि 200 रुपये प्रति सिलेंडर उसमें भी कमी की जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स हैं जिसको मैं आपको धीरे धीरे उसमें जाऊंगा। पहले ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, इट इज़ ऑलवेज पीपुल फर्स्ट फॉर अस, यानी केंद्र सरकार ने कहा कि, यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो जनता है वो उनके लिए पहले आती हैं। टुडेज डिसीजन स्पेशली द वन रिलेटिंग टू ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस विल पॉजिटिवली इंपैक्ट वेरियस सेक्टर्स, प्रोवाइड रिलीफ टू आवर सिटीजन्स एंड फर्दर ईज ऑफ लिविंग। ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके सामने उनके तरफ से ये वक्तव्य आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा था और क्या स्थिति बन रही थी और इसमें फिर कमी क्यों की गई। तो ये है डेटा, फ्यूल प्राइसेस टू कम डाउन, प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू फॉल एज सेंट्रल रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी रेट्स वेयर हाइक्ड बाय ₹10 पर लीटर इन जस्ट 16 डेज ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, ग्राफ शोज प्राइस इन दिल्ली। तो ये दिल्ली का आंकलन है, ये जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के द्वारा ये ग्राफ दिया तैयार किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी 2022 से लेके मार्च के अंत तक, यानी मार्च 21 का यहाँ पे रेट है, वो एक सामान्य, एक स्टेबल जो है प्राइस वो देखने को मिलता है। ये डीजल का प्राइस है और ये पेट्रोल का प्राइस है, दोनों लगभग सामान्य, मतलब एक कहें कि स्टेबल वो देखने को मिलता है। फिर यहाँ से मार्च के एंड के बाद से अप्रैल में ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और ये क्या हुआ और किस लिए हुआ, आपको ज्ञात होगा कि इसी दौरान रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था और जो मार्केट होते हैं वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह की न्यूज़ को लेके। अमेरिका के इंटेलिजेंस की तरफ से ये बार बार अवगत कराया जा रहा था कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर हमला करेगा। डेट्स भी बताए गए थे 16 अप्रैल को लेके, शायद मुझे अभी उतना याद नहीं है, लेकिन ये 16 अप्रैल की बात थी जब रशिया ने हमला नहीं किया था, लेकिन उनके एक सप्ताह के अंदर ही उन्होंने फिर हमला शुरू कर दिया था। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस सही थी और इसके कारण भी जो विश्व में जितने भी कीमतें थी तेल की वो बढ़ती चली जा रही थी। अभी के समय जो कीमत है वो लगभग $140 प्रति बैरल का कीमत देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर, एक रिकॉर्ड हाई कहें वो देखने को मिल रहा है। तो यही 10 रुपये है जो 16 दिनों में बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। अब ये फिर एक जो है स्टेबल फिर प्राइस हुआ। उसके बाद जो आज जो एक्साइज ड्यूटी की कमी की गई उसके कारण फिर दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो 95 रुपये
91 पैसे और डीजल जो है 79 रुपये 68 पैसे हो गया है। उसके बाद ये दूसरा ग्राफ है जो इन्फ्लेशन, ये मुख्य कारण है और ये CPI इंडेक्स है, यानी कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स जो है, ये डायरेक्ट जो कंज्यूमर है यानी आम नागरिक, उनको ये अफेक्ट करता है, उन पर ये प्रभाव डालता है। तो ये CPI का जो है ब्लूमबर्ग MOSPI इनके तरफ से ये सोर्स, जो ग्राफ सोर्स है वो ब्लूमबर्ग MOSPI है, और इसमें जो RBI का टॉलरेंस बैंड है, यानी इन्फ्लेशन भी एक हेल्दी इन्फ्लेशन होता है, अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो उसमें एक सर्टेन बैंडविड्थ के अंदर इन्फ्लेशन जो होता है वो हेल्दी कहलाता है। तो 2% से लेकर 6% के बीच में RBI ने अपना टॉलरेंस बैंड रखा है, जो कि इन्फ्लेशन को लेके ये सामान्य या एक हेल्दी इन्फ्लेशन को माना जाता है। तो ये 2012 से लेके 2022 तक का 10 साल का डेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2012 से ये 2014 तक की स्थिति थी, अगस्त 2014 तक की, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला था, और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिला जो नवंबर 2013 की बात है, 11.51% ये देखने को मिला है। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, वो तो मई 2014 को ही आ गई थी, लेकिन उसके बाद वो जब उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल में लिया, उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो लगभग बैंडविड्थ के अंदर ही रहे, और ये अच्छी बात रही। लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि नवंबर 2019 के समय ऐसी स्थिति बन रही थी कि रिसेशन का दौर चल रहा था, और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट रिसेशन को लेके बहुत ज़्यादा ये मतलब उनको लग रहा था कि अंदेशा इन रिसेशन हम फिर से जाने वाले हैं। तो 2019 के बाद से भी इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, लेकिन उसके बाद कोविड आया, अब ये फिर कोविड के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, लेकिन 2021 में फिर हमने कोविड को जैसे कंट्रोल किया तो इन्फ्लेशन भी डाउन हुआ और बैंडविड्थ के अंदर आया। थोड़ा बहुत यहाँ पे हिट हुआ था जो मार्च अप्रैल मई के समय भारत में फिर कोविड की स्थिति, जो सेकेंड या थर्ड वेव कहें, वो बहुत ज़्यादा भयावह हो गई थी, उस समय लॉकडाउन में फिर हम चले जा रहे थे, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन ऊपर देखने को मिला, लेकिन अब जो है वो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हाई है केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार है उनके दौर में। तो ये 7.79% जो अप्रैल 2022 का डेटा है। अब आगे देखें, यह फूड इंडेक्स भी है, इसको इसकी भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जो इसका रेट है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, उनके तरफ से ये डेटा दिया गया है 2021 जनवरी से लेके अभी अप्रैल 2022 तक का। तो ये इसमें फूड प्राइसेस जो है वो भी ऊपर चले जा रहे हैं। अब प्राइसेस ऑन द बॉयल अगेन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके तरफ से ही डेटा है, जिसमें ये तरह तरह की जो चीज़ें होती है, जो उत्पाद होते हैं या जो ग्रोसरीज और इस तरह की आम घरों में जिनका उपयोग होता है, उनका यहाँ पे ये प्राइसेस जो है उन पे कितने प्रतिशत उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ऑयल, फैट, वेजिटेबल्स, फुटवेयर, मीट एंड फिश, क्लोथिंग, पर्सनल केयर, स्पाइसेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फूड एंड बेवरेजेज। तो इसमें कुछ बातें ऐसी भी है जैसे ऑयल और फैट को लेके इनका सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो भारत में जो खाने वाले तेल है वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं जैसे पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम इम्पोर्ट करते हैं, और ख़ासकर मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल जो है वो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो इंडोनेशिया ने अभी हाल फिलहाल एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ था, क्योंकि उनके घर भी, उनकी डोमेस्टिक मार्केट में भी वहाँ के जो खाने वाली तेल है उनमें बहुत ज़्यादा जो दाम की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो उन्होंने एक्सपोर्ट बैन किया था, अभी उन्होंने शायद खोल दिया है, तो उसके कारण भी जो तभी कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे आप बोथ CPI और WPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स वो देख सकते हैं। होलसेल जो होता है, जैसे कि बड़े बड़े और इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बड़े बड़े मर्चेंट होते हैं उनके बीच में, या मंडियाँ होती है उनके बीच में जो बिजनेस होता है, ट्रेड्स होती हैं,
उनमें जो प्राइस राइज है उनको दर्शाता है WPI और ये CPI जो वो रिटेल यानी हम जैसे आप जैसे जो साधारण कंज्यूमर्स हैं उनके बारे में है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये डेटा 2020 से लेके अभी तक का है अप्रैल का, उसके बीच में यही जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है और WPI तो बहुत ज़्यादा 15.08% है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण RBI ने भी अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी की है ताकि ईज ऑफ कर सके और 4.4% है RBI ने अनाउंस किया है और ये 4% से बढ़ के उन्होंने 4.4% किया। ये जनरली होता है क्या कि जब आप पूरे विश्व में एक ग्लोबलाइज्ड सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो अगर पूरी दुनिया में और भी जगह सेंट्रल बैंक यानी बड़े बड़े कंट्रीज़ या बड़े बड़े इकोनॉमीज़ जो हैं वो वहाँ पे अगर अपने बैंक्स में इस तरह की फेरबदल करती हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक करती हैं या लो करती हैं, तो उसके कारण पूरी दुनिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक या लो होते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई देशों में ये सारा अगर कहें तो ये वेस्ट का ही देश है, यूरोजोन और ये पूरा जो इलाका है ये सारा वेस्ट ही माना जाता है। तो इसमें UK स्विट्जरलैंड नॉर्वे जो है या स्वीडन इसको अलग यूरोजोन से अलग इसलिए रखा गया है, यूरोजोन में फ्रांस जर्मनी इटली स्पेन सब आते हैं लेकिन ये मेंबर नहीं रहे यानी यूरोपियन यूनियन के ये मेंबर नहीं रहे या नहीं थे। तो स्विट्जरलैंड नॉर्वे स्वीडन ये मेंबर नहीं थे और UK बाद में ब्रेग्जिट के बाद वो मेंबर नहीं रहा। तो ये सारे के सारे जो है वो उनके तरफ से भी रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस जो है जो हम रशिया से तेल लेते हैं ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इंडिया डिडंट इंपोर्ट ऑयल बिटवीन 1997 टू 98 एंड 2012 से 2013 के बीच में, ये सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से ये ग्राफ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया से हम पेट्रोल या ऑयल जो है या गैस भी है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल प्रोडक्ट्स मतलब गैस भी हुआ, क्रूड ऑयल जो नॉर्मल तेल होता है वो तो वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये भी है कि रशिया हमें थोड़ा डिस्काउंट भी दे रहा है या हमने जो नेगोशिएट किया है उसके कारण जो विश्व युद्ध सॉरी जो रशियन यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है उससे पहले जो कीमतें थी उसके तहत ही हमें रशिया से तेल मिलने की उम्मीद है या नेगोशिएट करके हम तेल ले भी रहे हैं, कुछ हम वहाँ से ले चुके हैं। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में, इसमें CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो किस तरह से किन किन पदार्थों पे इफ़ेक्ट कर रहा है, उनका प्रतिशत कितना बढ़ रहा है, ये रूरल में ज़्यादा बढ़ रहा है अर्बन में कम बढ़ रहा है क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हाई हो जाता है अर्बन एरिया के मुकाबले, तो इसीलिए ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये SBI का रिसर्च है जिसमें ये डेटा दिया गया है। अब जो सीतारामन जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई उसके कारण भारत सरकार को लगभग 1,00,000 करोड़ प्रति वर्ष का घाटा होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्साइज ड्यूटी में उनका कलेक्शन हुआ है। अब ये यहाँ पे 2020-21 में क्योंकि कोविड के बाद जो प्राइसेस थे वो पेट्रोल में काफ़ी कम हो गई थी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल ले रहे थे, इसके कारण वहाँ का जो एक्साइज ड्यूटी था वो भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे अभी चल रहा है 21-22 का बीच और इसमें ये कमी आई है। ये हमारा पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के द्वारा ये डेटा दिया गया है। तो यही बात है कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो लगभग 14 साल जो है के अंतर्गत जो है वो उतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं यानी 14 साल का रिकॉर्ड हाई है $140 प्रति बैरल। तो ये सारा कुछ आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद एक और चीज़ है ये OMEs जो है यानी सॉरी OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इनके तरफ से उनके साथ भी इफ़ेक्ट हुआ है इन चीज़ों के लेके जो प्राइस राइजेज हुए हैं उसके कारण उनका भी लॉस जो है वो बढ़ता जा रहा है।
और बीच में ये भी बात कही गई कि जो बल्क बायर्स हैं, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है या मर्चेंट हैं या बड़े बड़े बिजनेस है, एयरपोर्ट है, या जो बड़े बड़े ट्रक्स ऑपरेट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है, उनको बल्क बायर कहा जाता है। तो उनको पैसा कम देना पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्टली टैंकर्स मंगाते हैं कंपनीज के तरफ से, जो OMCs हैं उनसे ही वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके टैंकर्स मंगाते हैं। तो रिटेल जो हमें आपको पैसे देने पड़ते हैं पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए, वो उनसे कम उनको पैसे देने पड़ते हैं जो बल्क बायर्स हैं। लेकिन उनमें भी प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर उसमें भी बहुत सारा एक देखने को मिला है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसके कारण बल्क बायर्स जो है वो रिटेल पेट्रोल पंप में जाके तेल या लेने लगे थे। अब जो ये बात है, इसमें एक और बात देखने वाली है कि 2021 के नवंबर में भी जो भारत सरकार उनके तरफ से ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई थी, जो कि 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पे और 10 रुपये प्रति लीटर डीजल पे, यह नवंबर 4 की बात है, उसके समय भी भारतीय जनता पार्टी की अंदर जो भी राज्य थे या भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में जो भी राज्य की गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने भी अपने तरफ से जो पेट्रोल में या डीजल के दामों में कमी की थी वैट को काट के, और एक बीजू जनता दल जो था, जो कि नॉन NDA गवर्नमेंट है या नॉन BJP गवर्नमेंट है, उनके तरफ से बस वो एकमात्र राज्य था जिन्होंने वो कमी की थी नवंबर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं उसका पूरा एक लिस्ट है यहाँ पे, ये नवंबर का बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये 21 मई 2022 का आर्टिकल है, ये अभी नहीं, सॉरी ये वाला नहीं है मेरी, तो ये वाला, ओके ये आर्टिकल मैं थोड़ा नीचे चला गया था, ये 5 नवंबर 2021 का आर्टिकल है। तो इसमें ये बताया गया न्यूज 18 की तरफ से कि जो भी लिस्ट, जैसे मैंने कहा कि BJP या NDA गवर्नमेंट जिन राज्यों में थी उन्होंने दाम कम किए थे, वैट काटा था, उसमें गुजरात था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, कर्नाटका, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा एकमात्र जो है नॉन NDA नॉन BJP गवर्नमेंट थी, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और जो नॉन BJP नॉन NDA गवर्नमेंट थी उन्होंने कट नहीं किया था वैट में, तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा थी आम जो दूसरे राज्य थे उनके मुकाबले। तो इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली ने फिर दिसंबर में अपना वैट में कट किया था, तो उसके कारण वहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी सा रिलीफ मिला था। अब इसका जो एक और एंगल है वो इंटरनेशनल एंगल है, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध है जिसके कारण रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हैं पेट्रोल मतलब बिजनेस में, उनको डॉलर का यूज करने नहीं दिया जा रहा है या स्विफ्ट सिस्टम से भी उनको निकाल दिया गया है, तो इसीलिए उनके टैंकर्स भी थे बहुत जगह, या फिर जहाँ पे जैसे UK में, फ्रांस में उनके टैंकर को सीज किया गया, उनके शिप्स को सीज किया गया, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण भी तेल की कीमतों में मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ में रशिया बहुत बड़ा एक सप्लायर है पूरे दुनिया में ऑयल और गैस का, और साथ में ईरान पे भी सैंक्शंस लगे हैं, वेनेजुएला पे भी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब सप्लाई कम हो जाए तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। और US ने अभी वहाँ पे बाइडेन आया जो ट्रंप के बाद 2020 के इलेक्शन में बाइडेन की जीत हुई थी, वो उनका जो पॉलिसी उनकी गवर्नमेंट की वो ग्रीन एनर्जी को लेके ज़्यादा है, तो वो अपने घर की यानी US की होम प्रोडक्शन जो है ऑयल की वो कम से कम करते जा रहे हैं। नो प्लेस फॉर पाइपलाइंस और अफोर्डेबल एनर्जी अंडर बाइडेंस प्लान, तो ये फोर्ब्स मैगजीन के तरफ से एक आर्टिकल है, फोर्ब्स में ये जैसे एक एग्जांपल दिया गया, डिसीजन टू अबैंडन $9 बिलियन की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट टू स्टॉप अमेरिकन एनर्जी बूम विथ पॉलिसीज दैट आर पुटिंग द कंट्रीज एनर्जी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट रिस्क। तो ये जो बात है
इस तरह की और भी बहुत सारी जो पॉलिसीज है जिनमें एक और पाइपलाइन को भी काटा गया है, मतलब बंद किया गया, इसके कारण 11,000 जॉब जो है वो उसकी कमी हो गई थी। मतलब एक फिर एम्ब्रेज लाइन 5 इन मिशिगन, इस पर भी प्रॉब्लम है, शटरिंग द डकोटा एक्सेस पाइपलाइन, और भी जो प्रोडक्शन थी उसमें भी कमी की गई है। अब बाइडेन ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और जो रशिया है वो अपने ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा करे, रशिया पे तो खासकर सैंक्शन लगा, लेकिन उससे पहले रशिया से भी वो जो यूएस है वो इंपोर्ट करता है, खुद के घर में ऑयल रहते हुए भी वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, अभी भी शायद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमी करेंगे लेकिन अभी वो इंपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ब्राज़ील से भी ये बात कही थी, फिर वेनेजुएला पे जितना सैंक्शन था उसको ईज करके अब वेनेजुएला को भी कहा जा रहा है कि आप ऑयल प्रोड्यूस करें। तो ये अजीब सा एक सिचुएशन बना हुआ है। यूएस की पॉलिसीज़ जो है, फॉरेन पॉलिसीज या डोमेस्टिक पॉलिसीज भी, वो बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है, आप कहें तो एक हेडलेस चिकन की तरह उनका डिसीजन जो है वो दिख नहीं रहा है कि सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करने की वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा, और इसके कारण इफेक्ट वहाँ भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ भी इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, और वहाँ के भी ऑयल प्रोडक्शन ऑयल प्राइसेस जो हैं प्रोडक्शन कम होने के कारण वहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम तो वैसे नेट इम्पोर्टर हैं ऑयल के, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, 85% जो हमारा ऑयल नीड है वो बाहर से ही आता है, और लेकिन यूएस में वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी उन्होंने कम कर दिया है वो ग्रीन एनर्जी को लेके, और ये सारा एक्टिविज्म जो है वो अजीब सी पॉलिसीज है। उससे पहले जो था 2020 का रशिया सऊदी अरेबिया ऑयल प्राइसेस, ये इतना ज़्यादा एक कहें कि सब्सटेंशियल एक लड़ाई देखने को मिली थी मार्केट की, जिसमें कीमतें जो है वो $27 प्रति बैरल 2016 में पहुंच गई थी, इतनी कमी आ गई थी। इसके बाद भी ये इसीलिए हुआ था क्योंकि ओबामा के समय भी और साथ में ट्रंप ने भी इसको और कैरी ऑन किया था, जिसमें यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश बन चुका था, वो नेट एक्सपोर्टर बन चुका था, और उसके कारण सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई थी, जिसके कारण जो प्राइसेस थी वो बहुत कम हो चुकी थी। अभी रशिया और सऊदी अरेबिया में फिर एक समझौता हुआ था कि वो प्रोडक्शन कम करेंगे, लेकिन फिर बाद में वो समझौता फेल हो गया और दोनों अपने अपने प्रोडक्शन इंक्रीज करने लगे, क्योंकि अगर ये अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते तो जो उनके प्राइसेस ज़्यादा रहती और जो यूएस के जो प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा थी और उनके प्राइसेस कम थे, तो जितने भी कंज्यूमर थे वो यूएस से तेल लेने लगते, तो इसके कारण भी ये बात हुई थी। लेकिन अब है कि यूएस ने अपना कम कर दिया है, तो ये सब भी अब अपनी तरफ से कंट्रोल कर रहे हैं प्राइसेस को और अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे ताकि इनकी जो कमाई है वो ज़्यादा हो। तो ये इस तरह से पूरा एक वर्ल्ड ओवर सिचुएशन बनी हुई है, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और साथ में रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो है गेहूँ के सप्लाई में भी बाधा बनी है, क्योंकि रशिया भी गेहूँ एक्सपोर्ट करता है लेकिन उस पर सैंक्शंस लग चुके हैं, यूक्रेन भी गेहूँ एक्सपोर्ट करता है लेकिन वहाँ पे वॉर हो रहा है, फिर तेल भी यूक्रेन से बहुत देश खरीदते हैं जो खाने की तेल है, वो भी उसमें भी सप्लाई में प्रॉब्लम आई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये डिसीजन जो है केंद्र सरकार का वो अभी के समय के लिए बहुत सही डिसीजन है, और इसीलिए मेरे हिसाब से अगर और जो राज्य हैं ये फॉलो करें तो हम थोड़ा और प्राइसेस को कम होते देख सकते हैं। अगर तेल के प्राइसेस में कमी हुई तो इसके कारण जो और भी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है, तो जो मार्केट में आप सामान खरीदते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत प्राइसेस की कीमतों की जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार अपने वैट कम करती है कि नहीं, होपफुली वो करें, अभी के लिए तो केंद्र सरकार ने ही ये कदम उठाया है, सराहनीय कदम है,
देखेंगे और जैसे अपडेट इसमें आपको मुझे मिलेगी आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर शेयर करें, साथ में फेसबुक और ट्विटर से भी मेरे साथ जुड़े। और रिक्वेस्ट फिर से रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगले बार एक न्यूज़ के साथ, एक नए न्यूज़ के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्ते, जय हिंद।